दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको अपने और हमारे चैनल गो ग्रीन में। मैं हूँ आपका प्यारा होस्ट और दोस्त निर्भय, और आज का हम कवर करेंगे सेम प्लांट का पूरा लाइफ सर्कल। इसको इंग्लिश में ब्रॉड बीन्स भी कहा जाता है। तो ये वाला प्लांट आज हम लोग दिखाएंगे आप लोगों को। आपको पहले क्या करना है, इसकी सीडलिंग के लिए आपको, या आपके पास अगर कोई पुराना पौधा है या फिर आपके पड़ोसियों में किसी के पास भी एक पौधा है, तो उससे एक पका हुआ सेम ले लीजिएगा, उनके दाने बिखेर दीजिएगा मिट्टी में और वो अपने आप लग जाएंगे। या फिर आप बाज़ार से भी एक सेम लेके आके ला सकते हैं और उनको प्लांट कर सकते हैं। उससे भी प्लांट होगा, पर जर्मिनेशन रेट थोड़ा कम होता है उसमें। तो और सॉइल मिक्स की बात करें तो हमने इसको इस वाले पॉट में लगाया है। हाँ, यहाँ पे दो प्लांट्स हैं, आप देख सकते हैं। इसमें सॉइल मिक्स है 30% वर्मी कंपोस्ट या फिर काय का डंग, काउ डंग, और 70% नॉर्मल गार्डन सॉइल। ये देखिए, हम शुद्ध ये काउडंग यूज़ करते हैं, इसीलिए ऐसा गोबर जो होता है ना, वही यूज़ करते हैं हम लोग, इसीलिए ऐसा है। पर आप वर्मी कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ से ये प्लांट बढ़ता हुआ, यहाँ पे देखिए कितनी सुंदर सुंदर कलियाँ आ गई है। इसको हमने सितंबर मंथ में प्लांट किया था और आज दिसंबर के महीने में ये फ्रूट दे रहा है, काफ़ी अच्छे से फ्रूटिंग कर रहा है। ये प्लांट काफ़ी बड़ा हो चुका है और आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे छोटे सेम भी आ रहे हैं। ये देखिए, आई एम नॉट टचिंग इट, क्योंकि ये गिर सकते हैं इसीलिए। तो ये देखिए फ्लावर्स हैं, फ्रूट है, यहाँ पर छोटी छोटी कलियाँ भी है, आप देख सकते हैं ऐसे। और ये प्लांट काफ़ी अच्छा लगता है आपके गार्डन में। ये फ्लावर का भी काम, फ्लावरिंग प्लांट का भी काम करता है, फ्रूटिंग प्लांट का भी। इससे फ्लावर्स काफ़ी क्यूट होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, एंजॉय योर डे। प्लीज़ सब्सक्राइब टू गिव अस मोटिवेशन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैरी क्रिसमस, बाय। मैरी क्रिसमस।